नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयस संगठन की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में महेंद्र कन्नौज के खिलाफ लिखा फैसला। बता दें कि जयस संगठन द्वारा 21 अप्रैल को जयस के प्रदेश अध्यक्ष व पदाधिकारी की बैठक की गई थी, जिसमें महेंद्र कन्नौज को धार महू लोकसभा क्षेत्र से जयस की ओर से उम्मीदवार घोषित किया था। जयस के उम्मीदवार महेंद्र कन्नौज ने 29 अप्रैल को अपना नामांकन फॉर्म भरा था। स्क्रीन कमेटी की मुझे धार महू सभा क्षेत्र से जिसका प्रत्याशी चयनित किया गया है, इसके लिए मैं राष्ट्र नेतृत्व जयस संगठन पदाधिकारी एवं सदस्यों का आभार व्यक्त कि मुझ पर जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं कर्तव्य के साथ निभाने का पूरा प्रयास करूंगा, और समाज ने जो जिम्मेदारी दी है, संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ इस धार महू लोकसभा क्षेत्र में अपनी दमदारी दिखाएंगे, और सभी का साथ सहयोग हमको मिलेगा, ऐसे हमको पूर्ण विश्वास है। और हम जयस का झंडा गहरी चोट पहुंचाइए। जो महेंद्र कन्नौज स्पष्ट रूप से सामने आए, और ऐसा क्या दबाव था जो उसे नामांकन वापस उठाना पड़ा, वो स्पष्ट करे। आप क्या निर्णय ले रहे हो? हमारा निर्णय ये है कि महेंद्र कन्नौज सामने आए, बैठक में आज बुलाया गया था, 11 बजे का समय दिया था, उनके साथी कमलेश सोलंकी से संपर्क हुआ था कि वो 12 बजे तक बैठक में उपस्थित होने का वादा करा था, और दोनों लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा आएगा। हम तो चाहते हैं कि संगठन से महेंद्र कन्नौज जी को बाहर किया जाएगा, क्योंकि संगठन इस विचार पे है कि संगठन की कमियां नहीं होना चाहिए, और संगठन में जो बाहर करते हैं तो क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है और हर व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ है, विश्वास है कि हमारा व्यक्ति प्रतिनिधि निभाए, और महेंद्र कन्नौज जी ने जो किया है हम उसको बाहर करेंगे संगठन से। धार महू लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी महेंद्र कन्नौज को स्क्रीनिंग कमेटी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंतिम जी मुजाहला द्वारा घोषित किया गया था, और जब फॉर्म रिटर्न लेने की बारी आए तो महेंद्र कन्नौज का वो व्यक्तिगत निर्णय है, उन्हें न कहीं स्क्रीन कमेटी से पूछा, न हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो भी सदस्य थे, जैसे 4-5 जिले के लोग आए थे, उनके अनुशंसा में हमने महेंद्र कन्नौज जी को प्रत्याशी बनाया था। कहीं ना कहीं बिना प्रदेश कार्यकारिणी समिति से बिना पूछे फॉर्म उठाना, इस कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में जाता है ये, और समाज को महेंद्र कन्नौज ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। स्टेज न्यूज 18 के लिए सज्जाद खान की रिपोर्ट।